नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत एडमिशन सत्र 2021-22 में जिन भी छात्रों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उनके लिए यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अब ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जारी हो चुका है, समय सारणी जारी हो चुकी है। तो किस डेट में आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और कितने परसेंट वाले छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, मेरिट लिस्ट किस डेट में जारी होगा और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन, मेरिट लिस्ट और प्रवेश शुल्क कब से कब तक भर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगा। तो आइए PDF के माध्यम से पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। क्या है पूरी जानकारी देख सकते हैं हमारे सामने जो PDF है, ये डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय सागर की जो PDF है आज जारी की गई है, जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल UGPG क्लासेस 2021। तो यहाँ पे समस्त 40% 40 नंबर प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं, 40 से ऊपर जो नंबर प्राप्त करने वाले छात्र हैं वो सभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हरिशंकर विश्वविद्यालय सागर के अंतर्गत सेशन 2021-22 की जो काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया है वो आज से प्रारंभ हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं UG और PG की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे अलग अलग है। सबसे पहले UG है, फिर PG है। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है जो कि MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप कर पाएंगे, जिसका वीडियो बहुत जल्द हम जारी करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो बताई गई है 19/11/2021 से आवेदन स्टार्ट होंगे और यहाँ पे 25/11/2021 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यानी ये जो डेट है ये UG के लिए है। UG वाले जो छात्र हैं वो 19/11/2021 से रजिस्ट्रेशन करेंगे और 25/11/2021 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। PG वाले जो छात्र हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं, वो 19/11/2021 से रजिस्ट्रेशन करेंगे और 22/11/2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन की जो डेट है वो यहाँ पे दी गई है। तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उनका वेरिफिकेशन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी डेट भी यहाँ पे बताई गई है। UG के लिए 20/11/2021 से 26/11/2021 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20/11/2021 से 23/11/2021 तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर जानकारी है वो है हमारी मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे पब्लिश ऑफ मेरिट लिस्ट का जो फाइनल मेरिट लिस्ट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, यानी अभी आपका जो कट ऑफ लिस्ट है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। अभी केवल 40 नंबर वाले जो छात्र हैं, 40+ जो नंबर वाले छात्र हैं वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन जो छात्र रजिस्ट्रेशन करते हैं उन्हें यहाँ पे मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, उनके ऊपर यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, कट ऑफ लिस्ट दी जाएगी। तो यहाँ पे 28/11/2021 से 28/11/2021 को आपकी मेरिट सूची जारी की जाएगी, जिसमें UG के जो छात्र हैं उनकी यहाँ पर मेरिट सूची जारी की जाएगी और PG के जो छात्र हैं उन्हें 25/11/2021 को मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, जो BA, BSc, BCom, BBA में प्रवेश लेना चाहते हैं वो 28/11/2021 को अपनी मेरिट सूची देख सकेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं वो 25/11/2021 को अपनी जानकारी यानी मेरिट लिस्ट देख सकेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर कब जारी होंगे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं अलॉटमेंट सीट फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब जारी होगा। तो यहाँ पे काउंसलिंग लेटर जो जारी होगा वो आपको UG के लिए 2/12/2021 को जारी होगा, यानी ग्रेजुएशन के लिए के जो छात्र हैं जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो 2/12/2021 को अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं वो 29/11/2021 को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है, तो वो अपना पेमेंट यानी अपनी एडमिशन फ़ीस, सीट लॉक कराने के लिए जो एडमिशन फ़ीस है वो आप कब से कब तक पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे 3/12/2021 से 5/12/2021 तक ग्रेजुएशन वाले छात्र और 30/11/2021 से 2/12/2021 तक पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र अपना फीस पेमेंट कर पाएंगे। जो छात्र यहाँ पे फीस पेमेंट करेंगे उनका यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद जो रिक्त सीट बचेंगी उन पर सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो फिर यहाँ पे डेट दी जाएगी। सेकंड राउंड के लिए जो काउंसलिंग डेट है वो बहुत जल्द जारी की जाएगी इसके बाद, और इसकी जो जैसे ही स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आती चली जाती है हमारे माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से और कैसे करना है
तो इसके लिए बहुत जल्द हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, पूरी जानकारी दी जाएगी और मैट लिस्ट जैसे ही जारी होगी इसका भी वीडियो हमारे माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप शुरू से लास्ट तक जो है पूरी जानकारी दी जाएगी एडमिशन तक की। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।